हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर अर्चना माइंड हिप्नोटिज्म चैनल। दोस्तों, क्या आप बेहद खुश रहने का अचूक नुस्खा जानना चाहते हैं? ऑफ कोर्स यस। कितना अच्छा हो कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति अगर हमको दुखी ना कर पाए, डाउन ना कर पाए और हम हमेशा हर्षोल्लासित रह सकें। दोस्तों, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, किसी ना किसी के हम संतान हैं, किसी ना किसी के हम भाई बहन भी हैं, किसी ना किसी के जीवन साथी, माता पिता, पड़ोसी, शिक्षक या छात्र, किसी के बॉस, किसी के एम्प्लॉई, किसी के नेबर, हम तमाम रोल्स प्ले करते हैं 24 आवर्स में, हर रोज। तो ये जो मल्टीपल रोल्स हैं, इसमें हमारी जाहिर है अलग अलग ड्यूटीज होती हैं। जो ड्यूटी अपने बच्चे के प्रति होती है वो ड्यूटी पड़ोसी के प्रति नहीं, जो पड़ोसी के प्रति है वो अपने बॉस के प्रति नहीं, इस तरह से हर एक रोल में हमारी यूनिक ड्यूटीज होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं या दायित्व होते हैं। तो दोस्तों, मुझे शुरू से मेरे माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत खुशहाल मेरा जीवन रहा, अपने शेयर की स्ट्रगल भी रही लेकिन फिर भी जीवन अच्छा रहा। अच्छा इसलिए रहा क्योंकि मैंने हमेशा पॉजिटिव देखा, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया। लेकिन दोस्तों, आज से 10-12 वर्ष पहले मैं कहूँगी प्यार से उन्हें बाऊजी, अंकल नहीं कहूँगी, बाऊजी कहूँगी, क्योंकि अपने भारतीय संस्कारों के बहुत अच्छे बुजुर्ग व्यक्ति जो 97 साल के थे, 2-3 साल में वो शतक पूरा करने वाले थे, जिन्होंने जीवन देखा था, दुनिया देखी थी और हर एक के प्रति वो बहुत ही सद्भावना रखते थे, हमें वो अपने बच्चे समझते थे। तो वो मुझे एक दिन अपनी सोसाइटी के गेट पे मिल गए, तो मैंने उनके चरण छुए, आशीर्वाद लिया, फिर उन्होंने हालचाल पूछा और फिर उन्होंने किसी ऐसी चीज़ के बारे में पूछा जिसका उत्तर मेरी तरफ से निराशाजनक था। तो उन्होंने बोला, बेटे इट डजंट मैटर। तो मैंने पूछा, बाऊजी इफ दिस डजंट मैटर देन व्हाट मैटर्स? तो उन्होंने कहा, बेटे लाइफ में एक ही चीज है जो मैटर करती है और वो है ड्यूटीफुलनेस। अगर हम जिस रोल में हम किसी से मुखातिब हैं, अगर हमारा जो भी जिम्मेदारी या दायित्व बनता है उस रोल में अगर हमने वो निर्वाह कर दिया और बढ़ चढ़ कर दिया, उससे भी ज़्यादा जितनी हमारी कैपेसिटी होती है, अगर हम कोशिश करें, अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करें और बहुत शौक से अपना काम करें, तो हम एक एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अगर हम दे पाते हैं, दूसरे को वो काफ़ी लगे या ना लगे, लेकिन हमें पता है कि हमने अपनी लिमिट्स भी क्रॉस करके दिलो जान से अपना पूरा तन मन धन लगाकर, अपने पूरे फीलिंग्स के साथ, पूरी मेहनत के साथ, अपने को पूरा खर्च करके अगर हमने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो यकीन मानिए जिसके प्रति निभाई हैं वो मोस्टली खुश हो जाता है। लेकिन वो खुश हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मित्रों। फर्क पड़ता है तो हमारा अपना जो ओपिनियन है, हमारी जो राय है अपने प्रति, वही ज़रूरी है। सबको अपनी नज़रों में अगर हमारा मन शांत है, अगर हमारा अपने लिए सर्टिफिकेट अच्छा है, तो बस फिर और क्या चाहिए। तो दोस्तों, जो बाऊजी जिनका नाम है मिस्टर पुष्करना अंकल जी, बाऊजी जो कि अब तो शारीरिक रूप से दुनिया में नहीं है, लेकिन ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और उन्होंने हम जैसे अनगिनत लोगों को ज्ञान से भरा, और मैंने भी अपने पिछले, जब से मैंने ये जाना तब से मैंने सैकड़ों लोगों को ये बातें बताई हैं, शेयर की हैं, और मैं जब बताती हूँ तो भाव विभोर हो जाती हूँ। मैं एक शिक्षिका होने के नाते, सीनियर शिक्षिका हूँ मैं, तो मैंने बहुत से अपने स्टूडेंट्स को ये बातें बताई हैं और इससे बहुतों का जीवन बदला है, अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है, जो लोग मुझे बताते हैं। और इसी कारण मैं अपने परिवार और अपने सारे छात्रों जिन्होंने इसका लाभ उठाया, उनकी तरफ से मैं बाऊजी को श्रद्धा सुमन भेंट करना चाहती हूँ
और आप लोगों को मैं YouTube के माध्यम से माई हिप्नोटिज्म चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि ड्यूटीफुल रहें, कुछ भी हो, कुछ मिले या ना मिले, जो हमें अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से करके जो संतुष्टि मिलती है वो हमारा हासिल होती है, उसी से हमारा मन प्रसन्न रहता है और हम चैन की नींद सो पाते हैं। तो इसको अपने जीवन में उतारिए, आप पहले भी करते होंगे लेकिन इसकी एक्सटेंट इंटेंसिटी या इसका जो डिग्री है वो बढ़ाइए, जैसे मैंने भी बढ़ाई और मैं अपने आप को पहले से ज़्यादा खुशहाल पाती हूँ। और उसमें रोल है इस फॉर्मूले का भी, जो कि बेहद अचूक है। आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी ही फिर मिलूंगी, तब तक सुरक्षित रहें और खुश रहें। नमस्कार।